और मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर से आगरा के लिए। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं पैदल ही निकल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जल्द ही मेरा दोस्त विनोद कोहली यहाँ आने वाला है। अब हम पहुँच चुके हैं वजीराबाद। ये मेरा दोस्त विनोद। हाय। अब हम निकल रहे हैं नोएडा के लिए यहाँ से। दोस्तों थोड़ा हेलमेट की जो सेफ्टी आप जरूर बांधिएगा, मेरा जो ये बेल्ट बहुत छोटा है इस वजह से बंद नहीं पा रहा। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है। सेफ्टी के मद्देनज़र एक बार फिर से बेल्ट बांध कर मैंने अपनी गाड़ी रोकी और बेल्ट लगा ली है। आप देख सकते हैं कि अब सेफ्टी है, तो आगे भी वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे, बनाने को मिलते रहेंगे। हम लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ रहे हैं। इंडियन ऑयल भारत का तेल। ये हमारे पेट्रोल वाले भाई हैं जिन्होंने अभी मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला है, क्योंकि पेट्रोल नहीं होगा तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे। और ये जो पेट्रोल पंप है बहुत पुराना पेट्रोल पंप है, यहाँ अच्छी क्वालिटी का प्योर और पूरा पेट्रोल मिलता है। मिलते हैं अगली बार। ओके बाय बाय। अब हम पहुँच चुके हैं मेट्रो की पार्किंग में। अब वेट करेंगे राहुल का। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम जो मीटिंग है वो टाइम से शुरू कर पाएंगे, क्योंकि सब लोगों को एक लगी मीटिंग ज़्यादा चाह रहा है। क्या भाई हम पहले से लेट है, तू कहाँ है भाई? कहाँ नजर तो प्यारा मुझे कहाँ है तेरा? अच्छा हुआ रहा है, आ गया आ गया राहुल। हमारी आगरा जर्नी का फेज टू स्टार्ट हो चुका है। ये ड्राइवर साहब हैं, अभी हम लोग कैब से आए थे, अब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसेस हैं, देख सकते हैं। जो डेली के पैसेंजर हैं, जो अपनी नौकरी के लिए या कह सकते हैं कि पढ़ाई के लिए आगरा जा रहे हैं। कंडक्टर साहब ने हमें पकड़ लिया बिना टिकट के। फाइन मांग रहे हैं पास। फाइन तो नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट कर ली है, बता दिया है। और अब इन्होंने 840 रुपए की टिकट काट दी। इस सफर के अंदर मुझे एक ऐसा लड़का मिला है, नाम बताएगा भाई? नाम बताओ। आसिफ। ये वो है जिसने सोच रखा है अपना नाम बनता तो सब अपने भाई और जनता। ये नोएडा से बैठा, इसने टिकट ली और एक भाई को इसे जानता नहीं है उसके साथ टक्कर सो गया। नींद पूरी हुई है, सीट छोड़ के तो सीट पर आकर बैठ गया है और सफर का एंजॉय कर रहा है। ये भी आगरा हमारे साथ जाएगा। और आप एक भाई बोलो बाबू को। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। रमेश चंद भाई जो ऑटो ड्राइवर है हमारे, जो भगवान जी के दर्शन कराने लेके जा रहे हैं। 10 रुपए के ऑटो बैठकर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। राहुल ने ऑटो तय करा है, 10 रुपए सवारी। हल्की हो या भारी 10 रुपए सवारी। तो बैटरी रिक्शा है तुम्हारी, मार्केटिंग खराब कर दी पूरी की पूरी। अभी कितने टाइम से ऑटो चला रहे हो? 29 साल। 19 साल। कितने रुपए लेने शुरू करा था सवारी से? 2 रुपए। और आज 10 रुपए पे आ गए। तो 19 साल के अंदर 2 रुपए से 10 रुपए तक आए हो, 8 रुपए की तरक्की। ऊपर से सरकार ने गैस के रेट बढ़ा दिए, बात वहीं आ गई, 2 रुपए पे ही रह गए। 2 रुपए से 10 रुपए तक का सफर। 19 साल। हम आपका ये अरुण भाई हैं जो सैलून में काम करते हैं, आगरा के लोकल हैं, जो रमेश चंद भाई के साथ और आज हमारे साथ बैठे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि क्या गंजा ये सैलून के मास्टर हैं। मेरा वुमेंस का, तो आप महिलाओं के बालों का केयर करते हैं। चलो बहुत। तो कहाँ पर? आगरा में। तो
तो आप भी जरूर जाएं इनके सैलून में, महिलाओं से खास तौर पे गुजारिश है जो हमारे फॉलोवर्स हैं चाहने वाले हैं, और इनके यहाँ पे जाके अपने सैलून कटिंग करवाएं। अरुण जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे आपका, एक बार पब्लिक को हाय बोल दीजिएगा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं किनारी बाज़ार की तरफ, आगरा का किनारी बाज़ार, लगभग दिल्ली की तरह ही। देख सकते हैं आप किनारी बाज़ार की दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और हमें यहाँ पर गंगा कैफे जो मशहूर शिकंजी बनाते हैं। गंगा जी हाय तो करो यार दर्शन को, अरे हेलो करो भाई। हाँ ये गंगा जी हैं, अब देखते हैं कैसी लस्सी इन्होंने शिकंजी बनाई है। ये विकास जी शिकंजी का लुत्फ लेते हुए इस गर्मी के अंदर नींबू से बढ़िया कोई टॉनिक है ही नहीं। गर्मी में ठंडक का है, ब्रांड नहीं बताऊंगा लेकिन पानी मज़ेदार है। भाई साहब आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? तो कितने टाइम से आप ये लस्सी का काम कर रहे हैं? अरे भाई तो ये चंदन का लेप आप खुद ही लगाते हैं या मंदिर? अरे बाबा मंदिर को नाक है। तो अभी मंदिर बंद है? अब मंदिर अब 2 बजे बंद हो जाता है। तो अगर हम दर्शन करना चाहें तो आपकी सिफारिश चल सकती है? नहीं नहीं वो मेन मत खुलवाओ, बस थोड़ा सा हम दर्शन कर ले इतनी दूर जाए। पीछे से चला जाओ, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये यादव जी ने हमें थोड़ा पीछे का रास्ता बता दिया, अब हम चलेंगे मंदिर की तरफ। ये गुप्त रास्ते से हम जा रहे हैं। अब हम मंदिर में आ चुके हैं, आरती कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इसकी स्थापना या कोई राजा वंशज ये नहीं कह सकता है।
कोई आज तक ऐसा बटन नहीं आता है हमारे पास। पहले मेरे पास मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर ओमकार कुली थी जिनके नाम से मंदिर जाना जाता है, टेम्पल ऑफ ओमकार कुली, जो रेवेन्यू कॉन्स्टेबल यहाँ है ओमकार कुली मंदिर विश्व मंदिर का। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमने यहाँ पर स्थापना कराई है इस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है कि 1980 में जब ये चांदी को बदला जा रहा था, चेहरे बदला जा रहा था और छुट्टियाँ बदली जा रही थी, उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के सदस्य जो ताजमहल की देखरेख करते हैं वो यहाँ आए थे और मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आए थे। उसमें डब्ल्यू एस सिद्दीकी साहब थे जो कि आर्कियोलॉजिकल हेड थे, डब्ल्यू एस सिद्दीकी फोर्ट रामपुर में वो रहे थे अपने अंतिम जीवन के कार्यकाल में, और वो द आर्कियोलॉजिकल हेड ऑफ द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनके वो हेड भी थे। तो वो अपनी टीम के साथ यहाँ आए थे 1980 में और आकर जब चेहरा हटा था और आवरण हटा था लिंक का दर्शन हुआ था उनको, तो उस समय में उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास को देख करके कहा था कि कम से कम ये जो शिवलिंग है कम से कम 5,000 वर्ष पुराना होना चाहिए। दोस्तों ये है वो पौराणिक प्राचीन इतिहास का आगरा का वो मंदिर जिसकी कथा अभी महाराज जी ने बताई अपने शब्दों में। ये जो आप द्वार देख रहे हैं ये द्वार 850 साल पुराना है। यहाँ के जो महंत जी हैं श्री महंत जी, उन्होंने मुझे बताया है कि ये द्वार 850 साल से भी पुराना है। आप इसकी कलाकृतियाँ देख सकते हैं, ये लाल पत्थर पे है। सबसे बड़ी बात है कि लाल पत्थर के ऊपर है और लाल पत्थर के ऊपर अगर आप ये देखेंगे तो आप लोग राजस्थान इत्यादि जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जो दिल वाला टेम्पल तो राजस्थान की परंपरा है पत्थर के ऊपर उकेरा जाता है। तो ये आप सोचिए कि लाल पत्थर और लाल पत्थर के ऊपर आपको ये कलाकृति आपको ये है। मंदिर के श्री महंत जी योगेश जी पुरी जिन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि ये 28वीं पीढ़ी है जो उस मंदिर की सेवा कर रही है, जो उस मंदिर का संचालन करती है। तो महेंद्र जी से हम लोग मिले इस मंदिर तो बाबा मन का हमेशा नाथ जी करते हैं। मैं आपको चेंज कर दूं, हम लोग तो केवल दरबारी लोग हैं और चपरासी लोग हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा ने हमें अपनी सेवा में रखा। जी जहाँ पर हमारे बाबा गर्भगृह में विराजमान है और ये हमारा जो है गुरु स्थान है, तो सामने हमारे दादा गुरुदेव, पीछे हमारे पिताजी महाराज, और ये आप लोग दर्शन करेंगे। आप लोग मंदिरों में अक्सर करके जाते हैं तो हमारे यहाँ पर मंदिरों में वेद का, सनातन धर्म में वेद का बड़ा उच्च स्थान है, तो वेद को हमारे यहाँ भगवान की वाणी कहा गया है। तो ये वही वेद ये आप लोग दर्शन करेंगे, ये भगवान वेद का स्वरूप है। ये पूरी पुस्तक में चारों वेद संकलित है और ये हमारे सनातन धर्म के जो अखाड़ा परंपरा के अंतर्गत में जो बड़ा उदासीन अखाड़ा है उसके जो आचार्य जो है महामंडलेश्वर जी महाराज श्री गुरुदेव हुए स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, जिनका जुहू में आश्रम है और श्रोतपुरि निवास अपना पूरे भारतवर्ष में उनके आश्रम है, और उन्होंने वेद को वेद भगवान के रूप में प्रतिपादित किया। उन्होंने ईश्वर को भी ये कहा कि ईश्वर की भी जानकारी अगर कोई देता है तो वो वेद देता है, तो वेद से बड़ा भगवान दूसरा कोई नहीं है। और जब इनका जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा तो उस समय पर राष्ट्रपति से लेकर के सब लोगों ने, प्रमुख न्यायाधीश न्याय प्रमुख इत्यादि सब लोगों ने अपने जो है अभिनंदन ग्रंथ में उनके लिए अपने 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 विचार लिखे। लेकिन एक आश्चर्यचकित बात मैं आपको बताऊं जो हमको अचंभित करती है कि ईसाई समुदाय के वेटिकन सिटी वहां के जो पॉप जॉन पॉल सेकंड थे उन्होंने भी आपके लिए अभिनंदन ग्रंथ के लिए अपना लेटर। और
क्या करें, गंगा जल को एक ढक में रोज रखा पक्का रखें। हम सनातनी में बड़ी मान्यता है कि हम लोग सिर्फ ढक उसको रख लेते हैं, गंगा जल का नियमित सेवन करा करें। हाय गाइस, तो मीटिंग हम लोगों की बड़ी सक्सेसफुल रही और आशा करते हैं कि दोबारा आगरा में आएंगे और जल्द ही एक प्रोजेक्ट ऑन करेंगे। जिस तरह की मीटिंग रही है ताजा मीटिंग का, बड़ी खुशी हो रही है लोगों से मिलकर। अब साथ में मंदिर का भी जो एक काम हमारा बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था, तो वो पूरा हो गया। आज हम मंदिर के बारे में भी जान सके कहते हैं। और राहुल और विनोद निकल रहे हैं खाना खाने के लिए और उसके बाद हमारी रवानगी होगी दिल्ली के लिए। बाय बाय बाय। राहुल ने हमें बताया कि यहाँ पर एक ऐसा खाना मिलता है जो बिल्कुल घर की याद दिलाता है। यहाँ चूल्हे की रोटी मिलती है, दाल मिलती है और एक सब्जी मिलती है। तो रेस्टोरेंट में तो हमने कई बार खाना खाया है। तो राहुल के कहने पर हम लोग आज इस ढाबे पर आए हैं। इस ढाबे का नाम है श्री दुर्गा दुर्गा माँ भोजनालय। आगरा से जुड़े तमाम सारे काम कर लीजिए और अब हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। बाय बाय आगरा।